पीएम मोदी आज धनबाद में उर्वरक कारखाने का करेंगे उद्घाटन। झारखंड को 35,700 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। करदाताओं को सुविधा देने के लिए बड़ा फैसला, अब यूपीआई डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे जीएसटी का भुगतान। यूपी में आज से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद, सीएम योगी का निर्देश, 48 घंटे में किया जाएगा भुगतान। यूपी में आरटीई के तहत करीब 82,000 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा फ्री एडमिशन। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जा रहा है बच्चों का सिलेक्शन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने घरेलू हिंसा को लेकर सुनाया फैसला, कहा शादी शून्य घोषित हो जाने के बाद भी पत्नी दाखिल कर सकती है घरेलू हिंसा का केस। यूपी में यू डायस पोर्टल पर सूचना ना देने वाले स्कूलों की मान्यता पर लटकी तलवार, सूचना ना उपलब्ध करवाने पर रद्द हो सकती है मान्यता। हर तहसील में फायर स्टेशन वाला पहला राज्य होगा यूपी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले आने वाले 1.5 वर्षों में इस लक्ष्य को कर लिया जाएगा पूरा। आगरा में यूपी बोर्ड का पेपर लीक होने के मामले में मैनेजर, प्रिंसिपल और केंद्र व्यवस्थापक गिरफ्तार। कॉलेज प्रबंधन के बेटे ने व्हाट्सएप पर डाला था जीव विज्ञान और गणित का प्रश्न पत्र। यूपी में स्टाफ नर्स मेंस एग्जाम के लिए आवेदन शुरू, 14 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज होगा एचआर कॉन्क्लेव, करियर चॉइस ऑन व्हील्स पर एक्सपर्ट्स देंगे टिप्स, कई इंडस्ट्री के दिग्गज होंगे शामिल।